यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बिहार पुलिस के बाद अब तमिलनाडु पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मनीष कश्यप पर NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। दूसरी ओर कोर्ट की तरफ से मनीष कश्यप को 19 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में मदुरई सेंट्रल जेल भेजा गया है। इसके पहले मनीष को पुलिस कस्टडी में भेजा गया था। वही मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए यूट्यूबर मनीष कश्यप ने 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका दायर की। साथ ही मनीष कश्यप ने अर्जी दाखिल कर अंतरिम जमानत के साथ साथ अलग अलग राज्यों में दर्ज FIR को एक साथ जोड़ने की मांग की है। मनीष कश्यप पर NSA की कार्रवाई तब हुई जब उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। अब ऐसे में मनीष कश्यप की मुश्किलें और बढ़ने वाली है, क्योंकि ये कानून केंद्र और राज्य सरकार को गिरफ्तारी का आदेश देता है। अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है तो उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है, साथ ही बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में भी रखा जा सकता है। राज्य सरकार को यह सूचित करने की आवश्यकता है कि NSA के तहत एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उनके खिलाफ आरोप तय किए बिना 10 दिनों के लिए रखा जा सकता है। हिरासत में लिया गया व्यक्ति उच्च न्यायालय के सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है, लेकिन उसे मुकदमे के दौरान वकील की अनुमति नहीं है। जब कोर्ट में मामला जाता है तो सरकारी वकील मामले की तफसील कोर्ट को देता है और जज ही उसकी मेरिट जांचता है। मिली जानकारी के मुताबिक 3 दिन की रिमांड अवधि में पूछताछ के दौरान मनीष कश्यप ने तमिलनाडु पुलिस को फर्जी वीडियो प्रसारित करने के मामले में अहम जानकारियां दी हैं। तमिलनाडु पुलिस के साथ बिहार पुलिस इस मामले में सभी अहम कड़ियां जोड़ने में लगी है। पुलिस का मानना है कि मनीष के पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। उस नेटवर्क से जुड़े लोगों को लेकर पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा बिहार पुलिस मनीष कश्यप के बैंक खातों में जमा राशि को पहले ही फ्रीज कर चुकी है। इसमें कुल 42.11 लाख रुपए की राशि बताई गई थी। मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है। ये बिहार के पश्चिम चंपारण का रहने वाले हैं। यूट्यूब पर सच तक न्यूज नाम से एक चैनल चलाते हैं। सोशल मीडिया पर इनके हजारों की संख्या में फॉलोवर्स हैं। बताया जाता है कि इनके पिता भारतीय सेना में कार्यरत हैं। मनीष कश्यप का दावा है कि उन्होंने महाराष्ट्र से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इसके बाद मनीष कश्यप ने नौकरी न करके खुद का एक यूट्यूब चैनल बनाया और देखते ही देखते फेमस हो गए। इनका विवादों से भी पुराना नाता रहा है।